शहर में चोरी छिपे प्रतिबंधित तंबाकू और पान मसालों की खरीदी व बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिस पर पुलिस तेज रफ्तार से छापामार कार्रवाई करते हुए इस पर रोक के प्रयास में जुटी हुई है। हाल ही में एक नया मामला प्रताप नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पुलिस ने तकरीबन 1,56,814 रुपए का प्रतिबंधित तंबाकू बरामद किया है। जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रताप नगर पुलिस द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान के तहत पुलिस को खामला रोड सिंधी हिंदी कॉलोनी में 41 वर्षीय राजकुमार मेघराम देवानी के आवास पर प्रतिबंधित तंबाकू होने की विश्वसनीय सूचना मिली, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रताप नगर पुलिस द्वारा छापेमारी एवं निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस को महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित तंबाकू के विभिन्न कंपनियों के उत्पादों के कुल 107 किलोग्राम का स्टॉक आरोपी राजकुमार देवानी के घर से मिला, जिसमें नवरत्न, पान पराग, डबल ब्लैक, डीलक्स तंबाकू आदि एक कमरे में बिक्री के लिए रखे गए पान मसाले, तंबाकू, गुटखा, ऐसे कुल 1,56,814 रुपए का माल मिला है, जिसे पुलिस ने जब्त कर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर आरोपी राजकुमार देवानी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच जारी है। मिस्टर दाभोडे म्हणून फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशनचे सुरक्षा अधिकारी आहेत, त्यांना माहिती मिळाली की एक इसम अवैध गुटख्याचा साठा केलेला आहे, विमल पान मसाला, रजनीगंधा पान मसाला, राजसी पान मसाला, त्यांनी नियमानुसार छापा टाकलेला असून सुमारे 1,56,000 रुपयाची प्रॉपर्टी जप्त करण्यात आलेली आहे। एक मेघाणे म्हणून कोणी आहेत व्यक्ती, त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून IPC 188, 272, 273 आणि 328 संदर्भात गुन्हा दाखल आहे प्रताप नगर पोलीस स्टेशनला। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।